एक तरफ सरकार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, बावजूद इसके कुछ दुकानदार अभी भी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल गांव धोलरा के किसान शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि उसने लाडवा के एक पेस्टिसाइड की दुकान से गन्ने की फसल के लिए दवाई ली और जब उसने दुकानदार से इस दवाई का बिल मांगा तो दुकानदार ने बिल देने से मना कर दिया, बल्कि उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। ये गन्ने के लिए दवाई लाया था जी, गन्ने की कटाई हो चुकी जी, मूलों के लिए ये बावस्टीन है जी, ये गन्ने के लिए लाया था जी, तो मैंने दुकानदार से दवाई ली जी, उससे मैंने बिल मांगा जी, उन्होंने बिल देने से मेरे साफ इनकार कर दिया, तो बिल ओला कहना हमने आज थोड़ी किसी को बिल दिया ही नहीं, मैं तो मगर बिल के बगैर दवाई लेंदा नहीं होगी। ओला कहना कहा इसके बिल के पैसे देने पड़ेंगे टैक्स के, मैंने कहा अभी जो टैक्स के जितने पैसे बनते हो मैं टैक्स देने के तैयार हूँ, तो लगे कहने ये बिल नहीं हमारे पास आना, हम बिल दें और अगली बार जो आओगे ना अगली बार आपको बिल दिया जाएगा, तो ये दुकानदार ने कहा जी। मुझे शक था जी, तो ये दवाई डुप्लीकेट है जी, तो इसीलिए मैंने उनसे बिल मांगा जी, उन्होंने बिल देने से साफ इनकार कर दिया जी दुकानदार ने। खैर जो भी हो, सरकार के जागो ग्राहक जागो की मुहिम के तहत किसान तो जाग गए, लेकिन इस मुहिम का दुकानदारों पर कब असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनआवाज।